तो फ्रेंड्स देखंतु आजर नियुक्ति रोचे प्लस टू पास केंद्र सरकार नियुक्ति रोचे जो थे कि बयस सीमा मध्य मिनिमम एज 18 वर्ष मैक्सिमम एज 32 वर्ष जाए रोचे आपणकर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब रोचे आम ओडिशार उभय पुओ एवं झियो पिला माने ए आजर ए पदवी रे आवेदन करि परिबे। सिंपल केवल आपण प्लस टू पास होइतिबा दरकार से आर्ट्स थाउ कॉमर्स साइंस जेकोनसी स्ट्रीम रु जते कम परसेंट मार्क रखिकि पास होइथिले मध्य चलिबो कौनसी असुविधा ना। तो फुल डिटेल्स जनईबी जमीक जो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब रही प्लस टू पास निजुक्ति यार सिलेबस कौन सैलरी केते जॉब लोकेशन कौन एग्जाम पैटर्न कौन बेस्ट बुक कौन रुकी डिटेल्स जनईबी वीडियो को लास्ट पर्यंत देखिए। तो फ्रेंड्स देखो मुझे वर्तमान आज जो वैकेंसी कथा कहूँ ए वैकेंसी रो ऑफिशियल पीडीएफ रे विजिट करुँ आज ऑफिशियल पीडीएफ फाइल टी आपन को आम एम टू जो यूट्यूब चैनल रो टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक अच्छी आज वीडियो डिस्क्रिप्शन रे टेलीग्राम ग्रुप रे पीडीएफ फाइल टी मिल जिवो ए पीडीएफ फाइल रे ही आपनकर सिलेबस रही तो टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन करिकी सिलेबस टी कलेक्शन करिने बे। तो देखंतु कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल तरफ आपनकर प्लस टू लेवल रो नियुक्ति रहुची जहाँकि ऑनलाइन डेट तो ऑलरेडी आरंभ हो सारलानी ऑनलाइन लास्ट डेट रहुची June 8, 2023 आपनकर ऑनलाइन लास्ट डेट रहुची एवं ए पदवी रे दुईटी स्टेज रे आपनकर सिलेक्शन करा जिवो जहाँकि प्रथम गोटे कंप्यूटर एग्जाम हबो सेकेंड रे मध्य गोटे कंप्यूटर एग्जाम हबो। तो जो प्रथम जो कंप्यूटर एग्जाम टी हबो ताहा आपनकर August 2023 रे हबो तापर ताहा रिजल्ट बाहरी सरला परे ता सेकंड जो एग्जाम टी हबो तार कोनोसी डेट आसी नाही। तो वर्तमान ऑनलाइन आवेदन चली ऑनलाइन लास्ट डेट रहुची June 8 दिन। तो देखंतु आपनकर कोन रहुची ना आपनकर ए जगह रे 4-5 प्रकार पदवी रहुची जेमिति कि प्रथम पदवी टी आपनकर रहुची लोअर डिविजन क्लर्क एवं जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट पदवी रहुची जो थे कि लेवल टू अनुजाई बेसिक सैलरी 19,900 टंका रहिबो प्रत्येक वर्ष सैलरी 3% लेखा बढ़िकी 63,200 टंका पर्यंत सैलरी जीवो एथिरे TADA HR मध्य 38% आपणकर मिलिबो अर्थात आपण जदि ए पदवी रे सिलेक्शन हे जाउछंती ताहाले प्रथम मास रु ही आपण 26-27,000 टंका पाइबे। तापर देखंतु एहा त गला LDC एवं JSA तापर सेकंड रे रहिछि डाटा एंट्री ऑपरेटर जहाँ कि DEO रहुची एथिरे सैलरी टिके अधिका रहुची जहाँ कि 25,500 टंका बेसिक सैलरी सैलरी बढ़िकी 81,100 टंका पर्यंत जीवो एथिरे मध्य TADA HR रही। तो आपण जदि ए जो पदवी रे जदि सिलेक्शन होउछंती DEO रे ताहले आपण प्रथम मास रु 34-35,000 टंका आपण सैलरी पाइबे। तापर आउ गोटे रहुची डाटा एंट्री ऑपरेटर रो ग्रेड ए पदवी रहुची सेथिरे मध्य 25,500 बेसिक सैलरी रहुची सेथिरे TADA HR इनक्लूड हेले पाखापाखि 35,000 टंका आपणकर सैलरी रहिबो। तो ए जगार आपण देखि पारले गोटे रहुची LDC गोटे रहुची JSA आ गोटे डाटा एंट्री ऑपरेटर आ गोटे डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए। तो टोटल उपर आपणकर 4 प्रकार पदवी रहुची। तो देखंतु वैकेंसी डिटेल्स कथा जदि कहिबी 1600 गोटी टोटल उपर पदवी अछि ए जगार आपण देखि परथुबे टेंटेटिवली रहिछि 1600 पदवी मे बी ए जगार पोस्ट आपणकर इनक्रीज मध्य होइ पारे। तो देखंतु ए जगार आपणकर कोन रहिछि ना एज लिमिट देखंतु एज लिमिट कहिया पूर्व मु आपनकु कहि रखुछि एज कैलकुलेशन हबो August 1, 2023 को आपणकर एज कैलकुलेशन हबो मिनिमम एज 18 वर्ष होइथिबा दरकार मैक्सिमम एज 27 वर्ष होइथिबा दरकार। ध्यान देबे एज कैलकुलेशन हबो August 1, 2023 मिनिमम एज 18 वर्ष मैक्सिमम एज 27 वर्ष किंतु जदि आपण SC ST कास्ट रु बिलोंग्स करथिबे ताहाले आपणकु 5 वर्ष रे एज रिलैक्सेशन मिलिबो OBC पिला मानकु 3 वर्ष रो एवं जदि PWD कैटेगरी रु आपण जदि बिलोंग्स करुछंती ताहले आपणकर 10 वर्षर एज रिलैक्सेशन ए जगह आपणकु देखिया पई मिलिबो। तापर फ्रेंड्स देखंतु ए जगह आउरी कोन कोन डिटेल्स रहिछि मु आपणकु सब किछि जणै देबी ए PDF टी को कलेक्शन करि नेबे जहाँ फल कि आपणकु सिलेबस मिलि जिवो ए PDF रे ही आपणकर सिलेबस रहिछि एवं टेलीग्राम ग्रुप रो लिंक मध्य आज रो ए वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रे दिया जाइछि। आपणकु जदि ए पदवी टी आवेदन करिवार अछि ताले देखंतु हाउ टू अप्लाई ना आपण वेबसाइट टी विजिट करिवे नहले आपणकु आज रो वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रे मध्य वेबसाइट रो लिंक दे दैथिबी www.ssc.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट रे विजिट करिकि ऑनलाइन माध्यम रे आवेदन करिवे। एप्लीकेशन फी कथा जदि कहिबी केवल पुओ पिला जनरल एवं OBC पुओ पिला मानकर केवल एप्लीकेशन फी लागुछि SC ST एवं आपण जदि PWD कैटेगरी रु बिलोंग्स करथिबे एवं जे कोनोसी वर्गर झियो पिला होंतु ना काहे कि जनरल OBC समस्तंकर फ्री रे अप्लाई हबो
केवल जेनेराल पुओ एवं ओबीसी पुओ मानकर ही आप्लिकेसन फी लगे जहाँकि 100 टंकर आप्लिकेसन फी आपण जो ऑनलाइन माध्यम आवेदन ऑनलाइन रे आपण आप्लिकेसन फी टी देबे आपणकर जो एग्जाम सेंटर हम एग्जाम सेंटर आम ओडिशा पिलाई बालेश्वर ब्रह्मपुर कटक भुवनेश्वर राउरकेला संबलपुर रे आपणकर एग्जाम सेंटर रहिबो एवं जॉब लोकेशन मध्य आपणकर निज होम डिस्ट्रिक्ट रे रहिबो ध्यान देबे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब किंतु आपणकर निज डिस्ट्रिक्ट रे ही आपणकर ए जगह रे सिलेक्शन करा जिवो बा आपण निज डिस्ट्रिक्ट रे ही पोस्टिंग पाइबे तो ए जगह देखंतु प्रथमे जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होबो टायर 1 एग्जाम सेथिरे आपणकर कोन रहिबो ना आपणकर जो एग्जाम टी हबो टोटल उपरे 200 मार्क रो एग्जाम हबो 100टा क्वेश्चन रहिबो प्रत्येक क्वेश्चन पई आपणकु 2 मार्क लेखा मिलिबो 100टा क्वेश्चन पई 200 मार्क 60 मिनिट समय दिया जिवो जदि आपण पीडब्ल्यूडी कैटेगरी रु बिलोंग्स करूछंती ताहाले आपणकु घंटे 20 मिनिट समय दिया जिवो अर्थात सब पिला माननको पई एग्जाम रे समय 60 मिनिट किंतु पीडब्ल्यूडी पिला माननकु 20 मिनिट अधिका समय दिया जिवो एई एग्जाम रे नेगेटिव मार्किंग मध्य रहिबो 0.50 रो नेगेटिव मार्किंग आपणकर रहिबो आपण जते बेले टायर 1 क्वालिफाई कर देबे टायर 2 एई जगह रे देखि पारुथिबे टायर 2 रे आपणकर सेक्शन 1 एवं सेक्शन 2 रहिछि ए पीडीएफ रे कलेक्शन करिके देखि देबे आपणकर टायर 2 रो एग्जाम पैटर्न केमिति कोन रहिछि तो ये जगह जदि कहबा मु आपनकु सिलेबस मध्य कहि दउछि देखंतु आपनकर पूरा डिटेल सिलेबस रहिछि एडी देखंतु सिलेबस रहिछि टायर 1 रो इंग्लिश रु कोन कोन क्वेश्चन आसिबो टायर 1 रो जो जनरल इंटेलिजेंस रहिबो कोन क्वेश्चन आसिबो क्वांटिटेटिव एप्टिट्यूड रु कोन क्वेश्चन आसिबो तापर एडी देखंतु जनरल अवेयरनेस रु कोन आसिबो तापर जदि आपन टायर 1 क्वालिफाई कर दउछन्ती टायर 2 कु जाउछन्ती ताले टायर 2 रे मध्य आपनकर सेक्शन 1 रे कोन रहिछि मैथ रहिछि फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन अलजेब्रा ज्योमेट्री मेन्सुरेसन ट्रिगोनोमेट्री सबकि पूरा डिटेल्स ये जगह सिलेबस दि जाए आप करें डिस्क्रिप्शन में विजिट करके टेलीग्राम ग्रुप जॉइन करेंगे टेलीग्राम ग्रुप जॉइन करके आपन सिलेबस कलेक्शन करेंगे तो फ्रेंड्स देखो ये वैकेंसी को जदि क्वालिफाई करने अच्छी आप बेस्ट बुक पाइबा चाहते डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दीजिए बेस्ट बुक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए यह पदवी में आवेदन करने के सब डॉक्यूमेंटर आवश्यक पड़ो ना देखंतु आपणकर सिंपल 10th सर्टिफिकेट रो आवश्यक पड़िबो प्लस 2 सर्टिफिकेट रो आवश्यक पड़िबो जदि आपणकर पाखरे का सर्टिफिकेट अछि का सर्टिफिकेट देबे का सर्टिफिकेट न देले मध्य कोनोसी असुविधा नाही तापरे आपणकर आधार कार्ड देबे पासपोर्ट साइज फोटो देबे सिग्नेचर देबे मोबाइल नंबर देबे जीमेल आईडी देकी एतिकि को ही नै कि आपण ऑनलाइन माध्यम रे नेटपालर को जाई के आवेदन करिवे नेटपालर को जाई के आपण कोन कहिवे ना आपणकर जो प्लस 2 लेवल रो वैकेंसी आसी छि आपणकर जो प्लस 2 लेवल रो वैकेंसी आसी छि केउ वैकेंसी टी आसी छि ना आपणकर ए जगह रे देखंतु कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल कहिवे आपण प्लस 2 लेवल रो एसएससी रो सीएच एसएल वैकेंसी आसी से आपण आवेदन करेंगे जैक कहे प्लस 2 लेवल रो एसएससी सीएचएसएल अप्लाई करार अच्छी तो यहाँ हूँ आपंकर सीएचएसएल जहाँकि प्लस 2 लेवल रो कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल तापर मुझे जो कहली ये जगह चारि प्रकार पदवी रही एलडीसी जेएसए डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए तो आपड़ जो बड़े एग्जाम क्वालिफाई करेंगे आपंकर मार्क अनुजाई से सिलेक्शन करेंगे आप चारोटी कैटेगरी भितर केटेगरी आपड़ सिलेक्शन हेबे आपणकर मार्क से डिसाइड करिवे तो एबे सिंपल आपण केवल एसएससी सीएचएसएल रे प्लस 2 लेवल रो अप्लाई करि देबे जदि ए वैकेंसी रिलेटेड कोनोसी डाउट रहिछि कमेंट बॉक्स रे विजिट करी कमेंट करिवे मु आपणकर निहाती भाबरे रिप्लाई देबी तो आजि पई थिला एतिकी अपडेट रहिली धन्यवाद थैंक यू ऑल द बेस्ट।